नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको कटिंग के स्टाइल सिखाएंगे। वेजिटेबल कटिंग एंड पीलिंग के लिए आपको सबसे पहले बेस्ट छुरी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बहुत शार्प होनी चाहिए। हमेशा शार्प छुरी ही चीज़ों को बेहतरीन तरह से कट कर सकती है और इससे आपका हाथ भी कट होने से महफूज रह सकता है। आज हम आपको प्याज की पीलिंग और स्लाइसिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले प्याज को इस तरह से पकड़ें कि उसका टॉप बिल्कुल ऊपर आए और बॉटम डाउन चला जाए, और दरमियानी हिस्से से इसको ग्रिप करें कि आपकी कोई फिंगर ऊपर की तरफ, इस तरह से आपका हाथ कट होने से महफूज रहेगा। प्याज के टॉप वाले हिस्से पर अपने अंगूठे को रखें और हल्का सा कट लगाकर नीचे वाले हाथ से प्याज को गोल घुमा दें। इस तरह प्याज का टॉप खुद बखुद रिमूव हो जाएगा। इसी हिदायत को दोहराते हुए बॉटम पर भी आपने हल्का सा कट लगाना है और प्याज को नीचे से घुमा देना है, तो इसका बॉटम भी रिमूव हो जाएगा। अब प्याज की पीलिंग तीन तरह से हो सकती है। या तो आप प्याज को स्क्रैच करें उसकी ऑपोजिट साइड पे, तो भी इसका छिलका उतर जाएगा, या प्याज के छिलके को स्क्रैच करें अपनी तरफ तो भी इसका छिलका उतर जाएगा, या फिर आप सिर्फ हाथ के जरिए इसके छिलकों को रिमूव कर दें। अब ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप इसके छिलके को किस तरह रिमूव करेंगे। तो हमने पीलिंग करना सीख लिया है, अब हम कटिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले कटिंग बोर्ड को अपने सामने सेट कर लें कि उसका कटिंग एरिया आपके कटिंग वाले हाथ के बिल्कुल सामने आ जाए, और उसका हैंडल जो है लेफ्ट हैंड पर रखिए जहां से आपने ग्रिप करना है। वर्किंग एरिया के ऊपर आपने प्याज को रखना है जहां से आपने टॉप और एंड रिमूव किया था। इसके बिल्कुल दरमियान में छुरी रख के अब आपको चेक करना है कि छुरी बिल्कुल दरमियान में है, तो आपने इसको बहुत स्मूथली हाथ से प्रेस करके कटिंग कर लेना है। लेकिन याद रहे कि इसमें दोनों हाथों की एहतियात रखनी है कि प्याज को बहुत एहतियात से कटिंग करें। इसके बाद प्याज के आपको दो पार्ट मिल जाएंगे, जिनमें एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा ऊंचा होता है और दूसरा पार्ट जहां से आपने कटिंग किया था वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो स्मूथ वाली जगह को आप कटिंग बोर्ड पर रखें, और उसके बाद जो प्याज की ऊंची वाली सतह है उसके ऊपर अपनी एक फिंगर स्ट्रेट रख लीजिए, और उसके बाद प्याज को स्लाइसिंग करते हुए लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर तक कटिंग करते जाएं। या आप राइट हैंड से कटिंग करते हैं तो आप राइट कॉर्नर से लेकर लेफ्ट कॉर्नर तक कटिंग करते जाएं। याद रहे इस कटिंग करने के दौरान में छुरी प्याज को कटिंग करती जाएगी और आपकी उल्टे हाथ की फिंगर आप पीछे करते चले जाएंगे, तो इस तरह आपको अंदाजा होगा कि आप किस तरह से स्लाइसिंग करते जा रहे हैं। अगर आपको मोटे स्लाइस चाहिए तो थोड़ी आप उंगली ज्यादा पीछे करके कटिंग करें, और अगर आपको बिल्कुल थिन या बारीक स्लाइसेस चाहिए तो फिंगर वहीं रखते हुए उसको बारीक बारीक कटिंग करते चले जाएं। इसी स्लाइसिंग के अंदाज में आप खीरे के भी रिंग वाले स्लाइसेस कर सकते हैं, आप आलू के भी रिंग वाले स्लाइसेस कर सकते हैं, कि सिर्फ उनकी पीलिंग करने के बाद
चाहे आलू हो चाहे खीरा हो, आपने उसको कटिंग बोर्ड पर रख दिया और उसके बाद यही टेक्निक से कि एक हाथ में आपने छुरी पकड़ी और दूसरे हाथ से आपने अपनी शहादत की उंगली सामने रखी और जैसे जैसे उंगली पीछे होती जाएगी आप प्याज या किसी भी वेजिटेबल को कटिंग करते चले जाएं एंड तक। तो ये थी हमारी स्लाइसिंग स्टाइल। अगले स्टाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।